आप देख रहे हैं भारत की रफ्तार 24। ये कांवड़ को लेकर हमारे जनपद में जो भी मुख्य मार्ग हैं और जो मुख्य मंदिर हैं और घाट हैं, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर चाहे वो प्रकाश की व्यवस्था हो, बैरिकेडिंग हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, इन सबको सुनिश्चित किया गया है। मंदिर पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। और इस पूरे जनपद को जो भी कांवड़ मार्ग है या फिर मुख्य मंदिर और घाट है, इन सबको लेते हुए कुल 11 जोन और 48 सेक्टर में जनपद को विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो रूट डाइवर्जन प्लान है उसको हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार से असुविधा ना हो, और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन सबको सुचारू रूप से हम संचालित कर सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी। अरे एक तो जो भी ढाबे इत्यादि हैं उन सब पे रेट निर्धारित करवाया जा रहा है कि एक सामान्य रेट रहे और उसमें कहीं किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सड़क पे शिविर भी लगते हैं और श्रद्धालु मूव करते हैं तो उनको असुविधा ना हो, इसके लिए सड़क पर ऐसी कोई भी जो दुकान है मांस मछली की, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो लोग सड़कों पर इस रूट पर कहीं भी इस तरीके की दुकान ना खोल कर। ये है कि बुलंदशहर में दो प्रकार के श्रावण मास में कांवड़ की व्यवस्था की जाती है। एक तो जो हरिद्वार से या गढ़ गंगा से जल लेकर के आते हैं वो मूलतः आहार में या यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे हमारा राज राजेश्वर हो या इसमें आपका है शंकर जी का मंदिर है गुलावटी में, या इसी तरीके से सयाना में है, पहासू में है, खुर्जा में है, वहाँ जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ है, एटा है, मथुरा है, राजस्थान के लोग हैं हमारे रामघाट से, राजघाट से और ब्रजघाट से या अनूप शहर से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाते हैं। हमारे यहाँ कुल 7 रूट हैं और 10 बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ जलाभिषेक होता है, और 7 घाट हैं जहाँ से लोग पानी लेते हैं। इसी तरीके से कांवड़ के भी 7 रूट हैं। हमारे यहाँ से ट्रैफिक का भी डाइवर्जन होता है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बृहद रूप में और बहुत अच्छे से तैयारी कराने के लिए निर्देश दिए हैं, कांवड़ के उस हिसाब से तैयारी की गई है। चाहे वो रूट डाइवर्जन का हो या मंदिरों पे साफ सफाई का हो या स्ट्रीट लाइट लगाने का हो या आपके जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वो हैं, पहले से ही कहा गया कि खुले में मीट नहीं बिकेगा, और जो शराब की दुकानें हैं उन पर भी अंकुश लगाया जाएगा, और जगह जगह मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। सभी अस्पतालों में ये सांप काटने की दवाई है, आपका कुत्ता काटने की दवाई है, उनकी व्यवस्था की गई है। लगभग 40 में मोबाइल टॉयलेट भी व्यवस्था की हुई है। जो हमारे लगभग 95 कांवड़ शिविर लगेंगे, भंडारे लगेंगे, उनके जो आयोजक हैं उनके साथ बैठक की गई है, और उनको भी कहा गया कि वॉलंटियर रखिए, जो मंदिर के पुजारी लोग हैं उनसे बैठक करके कहा है वॉलंटियर रखें, और सभी को कहा गया है कि जो वॉलंटियर्स होंगे उनके साथ साथ प्रशासन के लोग भी जोड़े जा रहे हैं। सेक्टर में, जोन में, जिले को डिवाइड किया जा रहा है, और पहले भी यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से कांवड़ की यात्रा संपादित कराई गई है, और इस बार भी प्रभु की मदद से ये कांवड़ यात्रा हम लोग संपादित कराएंगे।